पीछे का बैकग्राउंड देख के तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं पार्क में हूँ, जेलमोड़ पार्क रांची। मैं कल रांची आई हुई थी और आज का ब्लॉग थोड़ा सैड भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो बैड न्यूज़ ही पहले आप लोग को सुनने को मिलेगा, गुड न्यूज़ बाद में मिलेगा। तो बैड न्यूज़ क्या है वो आप लोग को एट द एंड ऑफ ब्लॉग पता चलेगा। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, आज फुल डे ऑफ रांची बनाते हैं कि क्या करते हैं पूरे दिन में और क्या नहीं। और सुधांशु, प्रियंका सब ग्रुप में आने वाले भी वीडियोज़ बनाएंगे हम लोग। तो चलिए गाइस ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। फाइनली अभी हम लोग पार्क के अंदर आ चुके हैं और अभी हम लोग का वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। और अभी सॉन्ग सिलेक्शन चल रहा है तो देख सकते हैं लोकेशन यहाँ का तो सबसे अच्छा रहता है ये हमेशा से। मैं तो सो गाइस फाइनली अभी हम लोग वीडियो बना के वापस आ चुके हैं और अभी लंच करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं मोंटी बे का सैलून, क्योंकि फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे गाइस। और कैसा है क्या नहीं मुझे तो पता नहीं है। और रोहन है वहाँ पे, तो रोहन से भी मिलेंगे काफ़ी टाइम के बाद। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए। फाइनली भी हम लोग मोंटी भैया के सैलून पहुँच चुके हैं और हम लोग बाहर में देख सकते हैं भैया का सैलून काफ़ी अच्छा है। अब जाएंगे अंदर, देखते हैं कैसा है क्या है क्या नहीं। ये मेरा ऑन है। सो हे गाइस फाइनली अभी हम मोंटी भैया का सैलून आ चुके हैं और अभी मेरा केराटिन ट्रीटमेंट होने वाला है तो आप लोगों को फुल प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू रहे और ये रहे मैनेजर रोहन। तो अभी देखिए विधि आ चुकी है हमारे सैलून एंड अभी इसका केराटिन ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो वैसे अभी इसका जो हेयर है हमें उड़ाने वाले हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं ये रहा सैलून एंड ये रहे हम, जिसको जो आज हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं और ये रहे हम। हमको बहुत है अभिगम, किस्मत खराब हुई मेरे इसलिए। तो विधि कैसा लग रहा है अभी तो फिलहाल? स्टार्ट हुआ है, देखते हैं कैसा सर्विस मिलता है मोंटी बे का सैलून में। ओके चलो, तो गाइस ऐसे ही वीडियो में बने रहे, मिलते हैं फिर आगे। हाँ तो विधि कैसा लग रहा है? बहुत ही आराम मिल रहा है। अच्छा ये कौन सा प्रोसेस है आप मेरे ब्लॉग पे बता दीजिए। ये अप्लाई केराटिन बता दो सर। लाउडली बोलिए तो। ये आपका केराटिन अप्लाई हो रहा है अभी, 30 मिनट्स हेयर पे वर्क करेगा। इसके बाद हम लोग इसको ड्राई करेंगे हेयर्स को, उसके बाद आयरनिंग चलेगा। सो गाइस फुल प्रोसेस देखने के लिए कीप वॉचिंग। नहीं नहीं आप लोग को दो घंटा वेट नहीं करना, आपको मात्र 5 मिनट वेट करना है, 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। सो गाइस जैसे कि आप लोग को पता है अभी मैं मोंटी बे के सैलून में हूँ और मुझे अभी एक पार्सल रिसीव हुआ है, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का पार्सल है। बट इसके अंदर क्या है तो अभी मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग को देखते रहिए गाइस। बॉक्स खोल के दिखाएंगे, ठीक है ना? खोल चुकी हूं गाइस, गेस करिए ये क्या है। अरे एक्सेंट गाइस ये मेरा फोन है, मेरा फोन को लेके अपना बता रही है लड़की। मैंने अभी तक बोला ही नहीं कि फोन है। बोले भाई मैं ओ भाई ये आईफोन नहीं, इसका नहीं, झूठ बोल रहा है रोहन। तो गाइस ये है आईफोन 13 और ये ब्लू कलर का। ओह माय गॉड आईफोन ब्रांड है गाइस, ब्रांड। और अभी मेरा सर्विस चल ही रहा है, मेरे पास भी एक है वैसे। ऐसे इधर मोड़ेंगे तो नहीं है लेकिन है। ओ भाई विधि सच सच बता दो, जनता जानना चाहती है। ये आईफोन 13 अच्छा कलर आप देख सकते हैं। एक चुप रहिए, ब्लॉग कंटिन्यू कर दीजिए। हम तुमको ब्लॉक कर देंगे। करने दो करने दो। तो गाइस ये देख सकते हैं ये आईफोन 13, इसका लुक काफी ज्यादा प्यारा है देखिए। तो गाइस ये है मेरा, आप लोग कमेंट करके बताइए।
यार मैंने अपने लाइफ के 70,000 रुपये इसमें फूके। अच्छा, फोन ही 55 का बोल आगे। हाँ, अब बोलो। बोल आगे तू। फोन ही 55 का है। कुछ भी गाइस, इसको कुछ नहीं पता। लड़का है हीरा, लेकिन आप लोगों को सच्चाई बताती हूँ, ये फोन है सुधांशु का, जो कि इसने खुद खरीदा है अपने मेहनत से। और कैसा लग रहा है सुधांशु? कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू विधि। कैसा लग रहा है? और ये झूठा है, सबके ब्लॉग में जा जाके बोल रहे कि इसका फोन है। नहीं गाइस, बट इसके पास भी आईफोन है। 12 या 11 है ना? 12 है। 13 प्रो मैक्स। अरे राजू दिख नहीं रहा है। वैसे उसका एक कैमरा मैंने खोल के घर पे रख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। एक सेकंड, लेकिन गाइस ये तो मेरा आईफोन 13 है, बट हम लोगों के ग्रुप में विधि ने भी लिया आईफोन 13, एंड उसका आईफोन 13 घर इसके घर पे वेट कर रहा है। नहीं, ये रांची में है, बट 13 इसका घर पे वेट कर, तो ये कल जा रही है एंड आईफोन 13 का अनबॉक्सिंग करेंगे। ओ माय गॉड, मैंने भी अभी आईफोन 13 लिया है, बट मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट सुधांशु ने बोल दिया और उसका अनबॉक्सिंग करूंगी। अभी एक नहीं, दो दो आईफोन 13 है, एक आईफोन 11 है, तो क्या है क्या नहीं इसका पूरा राज आप लोगों को पता चलेगा। तो ये वाले ब्लॉग जो भी देख रहे हैं वही लोग को पता होगा कि मैंने आईफोन 13 लिया है। तो आईफोन 13 का अनबॉक्सिंग के लिए आप लोग एक्साइटेड हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम तो इधर स्मार्ट दिख रहे हैं। कुछ भी अभी भी हम अरे आप तो स्मार्ट हो ही हो। काफी अच्छा लगा, लुक तो A1 है गाइस। और बाहर पे भी हम फोटो वगैरह क्लिक करने वाले हैं, सब आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तुम लोग के लिए सेल्फी पॉइंट हम बाहर बनवाए हैं। हाँ, तो भैया स्पेशली हम लोग के लिए बनाया है। और थैंक यू भैया इतना अच्छा हम लोग के लिए सैलून ओपन करने के लिए। हम लोग सोचते थे कहाँ जाए कहाँ जाए, अब तो यही आना है। एक यूट्यूबर का सैलून है, तुम लोग यूट्यूब चलाती हो ना। हाँ, तो अभी चल रहा है ट्रीटमेंट। तुम्हारा क्या ट्रीटमेंट करा रही हेयर में? केराटिन। ओके, फाइनल होने के बाद फिर रिजल्ट बताना है, ठीक है? ठीक, अभी नहीं बताना है। okay. फाइनल होने के बाद। हाँ, वैसे हम बोल दिए कि फाइनल होने के बाद ही हम रिव्यू देंगे। तो स्पेशल गेस्ट है तो स्पेशल बाइट। ओ थैंक यू भैया। टेस्टी है, स्पून नहीं है, स्पून है ठीक है, ऐसे ही हाथ आप भी खाइए। हम खा लेंगे। अच्छा, ये मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए है। ओ माय गॉड, इतना स्पेशल गेस्ट वाला फीलिंग आ रहा है। भाई पैसा भी लेना, बहुत छाप के रखिए। तो गाइस फिर मिलते हैं आगे, मिलते। कुछ बोल, तुम बोलना क्या? तुम बुखड़ रोन का दे दो। अरे आ गया गाइस मेरे केक छीनने के लिए। केक क्या? बुखड़ रोन आपका बाल छीन के ले जाएगा। सुनो ना, रांची से कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं, सिर्फ कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं हम घर। तो आएंगे, हम मिलते रहेंगे आपसे।